एक और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि उकलाना से सामने आ रही है। किसान नेताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। हिरासत में लिए गए किसान नेता नरेंद्र घणघस, बड़ी और अहम खबर इस वक्त। दिल्ली कूच के चलते किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते संवाददाता अनूप कुंडू की ओर। अनूप, बताएं कि यहां किसान नेताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। किन किन नेताओं को हिरासत में लिया गया है और किसान किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है जिले में? किसानों ने दिल्ली कूच करने का अभियान बनाया था, अपने आंदोलन को रूपरेखा दे रहे थे, तभी से लेकर के कल और आज लगातार सिलसिला जारी है कि किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ के जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं काला कनो, उसके अलावा जो ब्लॉक के हैं रमेश समारखेड़ा, जो महासचिव हैं हिसार के अमरजीत केनाड़ा, इसके अलावा विभिन्न जो भी नेता इनसे जुड़े हुए थे, उन सभी को हिरासत में लिया गया। और अभी ताजा जानकारी के अनुसार जो उकलाना से नरेंद्र घणघस से है किसान नेता, उनको भी पुलिस ने अभी घर से हिरासत में ले लिया है। तो इस प्रकार से सिलसिला जारी है, जो भी किसान अगुवाई करने के लिए आगे आते हैं उन्हीं को हिरासत में ले लिया जाता है और सरकार और पुलिस किसी तरह से भी इस आंदोलन को विफल करने की पूरी तैयारी में है। जी अनूप, ये बताएं कि यहाँ जिले में किसान किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान क्या उग्र प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश के तमाम जिलों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। देखिए, किसान किसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ उनका यह है कि वो किसी भी तरह से दिल्ली कूच करें और उसी को लेकर के अपने अपनी तैयारियां किए हुए। किसान अपने ट्रक ट्रैली में भर करके अपने पर्सनल साधनों से सबसे पहले अंबाला के लिए जो मोहरा है वहां के लिए जाने की तैयारी में, और उससे बचे हुए किसान जो है अपने अपने रास्तों से दिल्ली जाने की तैयारी में है। किसानों का है कि वो दिल्ली जाकर के प्रदर्शन करेंगे। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी उग्र प्रदर्शन करने का किसानों का कोई इरादा नहीं है, न उनकी किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई उनकी बयानबाजी आई कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, सभी सिर्फ दिल्ली जाने की तैयारी में किसान है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी ओर से प्रदर्शन जारी। अनूप, इसमें जो महिला किसान हैं उनकी कितनी भागीदारिता नजर आ रही है? देखिए, जिला हिसार की अगर बात करें तो यहाँ से दिल्ली एक बहुत लंबा सफर पड़ जाता है और वहाँ पर आंदोलन की ये रूपरेखा तय नहीं है कि वो एक दिन के लिए है या कितना लंबे समय चलेगा। इसलिए कि जो महिला किसान है वो फिलहाल आंदोलन में नहीं है, क्योंकि एक बहुत लंबा आंदोलन ये चल सकता है। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष और अन्य किसान नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की गई थी, तो ऐसे में ये है कि फिलहाल जो महिला किसान है वो घरों पर ही रह करके अपना समर्थन इसको दिए हुए हैं, लेकिन वो अभी दिल्ली कूच के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वो सिर्फ अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, उग्र प्रदर्शन वो नहीं करेंगे, किसी तरह की उग्रता किसानों की ओर से नहीं की जाएगी।